बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर को इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस में से एक माना जाता है। अनिल कपूर की बेटी सोनम 9 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। सोनम भले ही इन दिनों फिल्मों से दूर है, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ को वो एंजॉय कर रही है। नो डाउट सोनम काफी लग्जरी लाइफ जीती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर तरह की शानो शौकत होने के बावजूद सोनम कपूर को एक बार सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद सोनम ने ही अपने इंटरव्यू में दिया था, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। बता दें कि सोनम ने राजीव मसंत के शो में इस पूरी घटना के बारे में बताया था कि उनके साथ उस दिन क्या हुआ था। सोनम ने बताया था कि वो उस वक्त महज 13 साल की थी जब उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। इस पूरी घटना से सोनम इतना डर गई थी कि उन्हें लगा था कि उन्होंने ही कुछ गलत किया है, इसलिए वो इसके बारे में किसी को भी बता नहीं पाई थी। सोनम ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, ये घटना मुंबई के गेट्टी गैलेक्सी थिएटर में हुई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई थी। सभी लोग बाहर कुछ खाने का सामान खरीदने आए थे, तभी अचानक एक आदमी पीछे से आया और उसने मेरे ब्रेस्ट दबाए। तब मैं छोटी थी और मेरा फिगर भी नहीं था, लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ तो मैं कांप उठी। मुझे नहीं समझ आया कि ये हो क्या रहा है और मैं वहाँ पर रो पड़ी, लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। इसके बाद मैं वापस अंदर जाकर बैठ गई और पूरी फिल्म देखी, क्योंकि तब मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने ही कुछ गलत कर दिया है। सोनम की माने तो आज उनके जहन में घटना वैसे की वैसे ही ताजा है। इस बारे में सोनम ने आगे कहा था, हर कोई बचपन में कभी ना कभी सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होता है। मैं जानती हूँ कि मैं भी बचपन में मॉलेस्ट हुई थी और वो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था। इस बारे में मैंने करीब 2 से 3 साल तक किसी को कुछ नहीं बताया था। मुझे आज तक वो घटना पूरी तरह से याद है। आपको बता दें कि जैसे सोनम कपूर का इंटरव्यू वायरल हुआ था, हर कोई शॉक हो गया था। हालांकि वहीं आप सोनम कपूर के वर्क फ्रेंड की बात करें तो फिलहाल वो फिल्मों में कुछ खास एक्टिव नहीं है, लेकिन सोनम अपने मदरहुड फेज को काफी एंजॉय कर रही है। सोनम ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा से 8 अप्रैल 2018 को शादी की थी। वहीं 20 अगस्त 2022 को सोनम ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने वायु कपूर आहूजा रखा है। वहीं अपने प्रेगनेंसी फेज के बारे में भी सोनम ने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी प्रेगनेंसी जर्नी आसान नहीं थी। उनके थर्ड ट्राइमेस्टर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।